Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss the topic that is called tandem accelerator. So आज का हमारा टॉपिक है टेंडम एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर हैं तो पार्टिकल्स एक्सेलरेटर, जिस तरह से तुम्हें यह कहा गया है कि पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल को हमें एक बम्बार्डमेंट कराने के लिए, कोई भी रिएक्शन कराने के लिए जब उनके स्पीड्स की ज़रूरत होती है तो उन्हें हाई स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ती है. दैट दीज आर कॉल्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर. पार्टिकल एक्सेलरेटर का वन ऑफ द पार्ट इज टेंडम एक्सेलरेटर. टेंडम एक्सेलरेटर वेन डी ग्राफ, जो आप 12th क्लास में वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर पढ़ चुके हो या वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ चुके हो, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है. जब आप पहले वो पढ़ते थे तो उसमें सिर्फ क्या था, एक ही स्टेज थी. इसमें आपका चेंज आएगा दो स्टेज में. मॉडिफिकेशन है ये वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर का, दो स्टेजेस पे काम करेगा. पहली स्टेज होगी पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे सोर्स से, और उसी स्टेज को हम प्रोड्यूस जो ग्राउंड पोटेंशियल पे उन आयन्स को कुछ चेंज करेंगे और उसे हाई पोटेंशियल वोल्टेज पे कन्वर्ट कर देंगे. फिर एक आपका टारगेट पॉइंट होगा या हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा जो पूरी की पूरी नेगेटिव आयन बीम को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ग्राउंड पोटेंशियल पे फिर से एक्सेलरेट कराया जाएगा. तो बस यही आपका जो प्रोसेस है उसी में होगा. तो इसमें दो स्टेजेस पे काम हुए. जितना वेन डी ग्राफ जनरेटर या वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर में आपका हाई पोटेंशियल पे जो कन्वर्ट होता था या जितनी काइनेटिक एनर्जी मिलती थी, उसका दो स्टेजेस हो गए सेम, उसका डबल उसमें ये हो जाएगा. ठीक है, हम इसके डायग्राम पे चलते हैं. नेक्स्ट आपका इसका डायग्राम है. तो इसमें पहला जो सोर्स है वो सी है. ठीक है, सोर्स एस. वहाँ इस सोर्स से आपका पॉजिटिव आयन्स निकलेंगे. ठीक है, उसके बाद जो C1 कॉलम है वो नेगेटिव आयन्स को उसमें ऐड कर देगा. तो नेगेटिव आयन ऐड होते ही आपका पॉजिटिव बीम कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में. उसके बाद आपके पास M1 जो है वो एनालाइजिंग मैग्नेट है. कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो आपके एनालाइजिंग मैग्नेट्स M1 और M2 हैं, तो यहाँ पर पहले आता है M1. तो आपका M1 एनालाइजिंग मैग्नेट है, वो क्या कन्वर्ट कर देगा, जो आपकी पॉजिटिव आयन बीम से नेगेटिव में कन्वर्ट हुई थी उसमें अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज बीम या पॉजिटिव पार्ट्स या न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे, उन्हें अपने पास रख लेगा और सिर्फ नेगेटिव आयन बीम में प्रॉपरली कन्वर्ट कर देगा. तो आपकी नेगेटिव आयन बीम आगे चलती रहेगी, उसके बाद वो एक ग्राउंड पोटेंशियल पर चली जाएगी. ये लिखा हुआ है ना ग्राउंड पोटेंशियल, वो आपका ग्राउंड पोटेंशियल है, उसमें से वो बीम पास होगी. तो जब वो बीम ग्राउंड पोटेंशियल से पास होगी तो वो आपका एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होती है. उसने एक्सेलरेट करा दिया आपके नेगेटिव आयन बीम को, तो वो एक इंसुलेटिंग कॉलम से पास होकर जाएगी. उसके बाद वो जाती है हाई पोटेंशियल पे, जिसको हमने टी नाम दिया है. हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इसीलिए जो पूरी की पूरी नेगेटिव आयन बीम थी वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव आयन बीम में, क्योंकि वो जो हाई पोटेंशियल है वो चार्जिंग बेल्ट से आपका कनेक्टेड है कि चार्जिंग बेल्ट उसको कन्वर्ट करती रहेगी. तो जितनी भी नेगेटिव आयन बीम थी वो सारी की सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर वो पॉजिटिव आयन बीम फिर से कहाँ जाएगी, हाई पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल पे. ग्राउंड पोटेंशियल पे जाते ही उस पॉजिटिव आयन बीम को फिर से एक्सेलरेट करा दिया जाएगा. ग्राउंड पोटेंशियल वही काम करता है एक्सेलरेशन का. तो वो एक्सेलरेट होने के बाद फिर एनालाइजिंग मैग्नेट में से पास हो जाएगी. एनालाइजिंग मैग्नेट फिर से चेक करेगा कि आपकी पूरे के पूरे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ही हैं, तो उनसे निकलने के बाद उसे स्विचिंग मैग्नेट से पास किया जाता है कि वो स्विच हो जाए और उसे टारगेट पे हिट कर दिया जाता है. तो आपका फाइनली इस तरह से ये एक्सेलरेटर काम करता है. डायग्राम आपका ये होगा. दो स्टेज हुई. पहली स्टेज में देखो ये पॉजिटिव चार्ज आयन्स निकले थे, वो C1 से पास होकर M1 में और ग्राउंड पोटेंशियल से. एक फर्स्ट स्टेज इसकी बोली जाती है जहाँ पर ये नेगेटिव आयन बीम ग्राउंड पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दिए जाते हैं. तो जो ये स्टेप है यहाँ तक का टी से पहले वाला स्टेप, तो वो आपका फर्स्ट स्टेज होगी. और जो टी के बाद जो नेगेटिव आयन बीम फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर जो हिट करती है टारगेट पे, तो वो आपकी सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज में तुम्हारा नेगेटिव आयन, फर्स्ट स्टेज में तुमने क्या किया, सिर्फ
नेगेटिव चार्ज ऐड किया और उसे एक्सेलरेट करा दिया ग्राउंड पोटेंशियल पे। और फर्स्ट एक्सेलरेशन हो गई तो यानी कि फर्स्ट जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी इतनी यहाँ तक की गेन की गई। अब दूसरी, जब आपका पोटेंशियल नेगेटिव आयन बीम थी उसे टोटली की पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया गया, ये सेकेंड स्टेज है। और उसमें भी आपने ग्राउंड पोटेंशियल पे इसे सेट किया है कि एक्सेलेट हो जाए तो ये आपकी उसकी स्पीड्स को डबल कर देगा। तो इसकी एनर्जी जो है, जो वोल्टेज जो पोटेंशियल की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और इसको डबल देन द वेंडीग्राफ जनरेटर में होगा। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है और आपके जो प्रिंसिपल है वो टू स्टेज है। प्रिंसिपल सेम एज दैट ऑफ वेंडीग्राफ जनरेटर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।